अर्थ बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर लाइक फिशरी, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, कि अगर अर्थ के चार मुख्य यू कैन से दैट जैविक तत्व हैं, उनमें से एक है फिशरीज, हमारे फॉरेस्ट एंड हमारा ग्रासलैंड्स और हमारे क्रॉपलैंड्स, एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिकल सिस्टम, एंड ये चारों ही ऐसे फोर पिलर्स यू कैन से दैट बायोलॉजिकल सिस्टम के, जो हमारी अर्थ को की इकोनॉमिकल सिस्टम में, इकोनॉमिकल अर्थव्यवस्था की फाउंडेशन या नींव को रखते हैं. इन एडिशन टू सप्लाइंग आर फूड्स, दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल्स फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रिसर्चिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, a viewpoint, a point where their productivity is being impaired. When this happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wasteland, and croplands deteriorate. In protein conscious and protein hungry world, overfishing is common every day. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Since the tropical forest is in the woods of Dr. Mayer's, the powerhouse of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. So here the writer wants to convey that how people are doing bad with our earth and kis tarah. So abhi hum kya samajh rahe the ki in addition to supplying our food, agar hum apne food supply ki baat karein, these four system provide virtually all the raw materials. ये ऐसे फोर सिस्टम है लाइक फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, जितनी भी हमारी इंडस्ट्रीज हैं उनको रॉ मटेरियल ये ही सर्व करते हैं या ये ही प्रोवाइड करते हैं. एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम्स डिराइव्ड सिंथेटिक, मिनरल्स और पेट्रोलियम को छोड़ दें बिकॉज दे आर सिंथेटिक. सो दुनिया के इन लार्ज एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, सो दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों में अगर हम बात करें, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, कि ये सिस्टम्स जो हैं ये कुछ अनसस्टेनेबल लेवल पे या कुछ असामान्य स्तर पर पहुंच रहे हैं. एंड यू कैन से दैट पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, और एक समय ये आएगा जब इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्पेयर्ड हो जाएगी, दैट मीन्स वो नहीं होगी प्रॉपरली. एंड योर When this happens, fishery collapse. अगर ऐसा होगा तो फिशरी नहीं रहेंगी, forest disappear हो जाएंगे, grassland barren land में या बंजर जमीन में convert हो जाएंगे, and पूरे जो croplands हैं वो deteriorate हो जाएंगे यानी बर्बाद हो जाएंगे. In protein conscious and protein hungry world, ये जो हमारा protein conscious या जो protein hungry world है, जहाँ पर लोगों को सिर्फ protein चाहिए, उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए या उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए पीपल आर कंटिन्यूसली डूइंग व्हाट. सो इन प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे, ओवर फिशिंग की जाने लगी है समुद्र में. इसके लिए फिशेस के अंडों को जो है वो गलत तरीके से यू कैन से दैट उन्हें विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स और लाइक दैट, उन्हें फिशेस को अंडों को उनके नेचुरल प्रोसेस से जो गो थ्रू होती है उस प्रोसेस को ना करके अलग तरीके से उनको उनके अंडों को बड़ा किया जाता है और फिर फिशेस बनती हैं. सो देर आर सम आर्टिफिशियल मेथड्स यूज बाय सम पीपल हु सेल देयर फिशेस और प्रोटीन पर्पस इन सम अदर वे. सो इसी तरह इन पुअर कंट्रीज लोकल फॉरेस्ट आर decimated in order to procure firewood for cooking. इसी तरह जो गरीब देश हैं जहाँ पर जंगलों का जो कहते हैं आपकी local forest are being decimated in order, decimated here means सामूहिक तौर पर विनाश हो रहा है ताकि वो लोग लकड़ी जो है ताकि उन्हें
अपना फूड कुक करने के लिए जलाऊ टाइप की लकड़ी मिल सके. एंड इन सम प्लेसेस फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट. सो कुछ स्थानों पर ऐसा हो गया है कि जो लकड़ी है फायरवुड है वो इतनी कॉस्टली हो गई कि बर्तन के नीचे जो रहता है उसकी कॉस्ट बर्तन के अंदर जो है दैट मीन्स जो हम खाने वाले हैं उस चीज़ से ज़्यादा कॉस्ट जिस फ्यूल से वो पक रहा है पर्टिकुलर चीज़ उस फ्यूल की हो गई है. एंड बिकॉज व्हाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर देन व्हाट गोज इनसाइड इट सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स. सो अगर हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात करें डॉक्टर मेयर्स की भाषा में तो वहाँ जैविक विकास जो है वो एक तरीके का शक्ति ग्रह है. सो सेवरल स्पीशीज सो हियर द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन मीन्स सो जैविक विकास के शक्ति ग्रह हैं एंड सेवरल स्पीशीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट डिस्ट्रक्शन. एंड कुछ ऐसे स्पीशीज हैं विच इज लाइक जो विलुप्त हो चुके हैं पूरी तरह वो आज इस स्टेज का सामना करें. इट हैज़ बिन वेल सेड दैट द फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड डेजर्ट फॉलो द वर्ल्ड एंशियंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ इरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 टू 50 मिलियन एकर्स अ ईयर एंड ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर. द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट अ फाइव फोल्ड इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर 2000. सो हियर यहाँ पे कहा है इट हैज़ बिन वेल सेड दैट द फॉरेस्ट प्रिसीड मैनकाइंड. ये कहा गया है कि जंगल मनुष्य के पहले होते हैं एंड डेजर्ट्स फॉलो और डेजर्ट्स उनके बाद. सो The world's ancient patronymic of tropical forest is now eroding. World का जो ancient tropical forest है वो भी उसका जो 40 से 50 million भाग है वो हर year 40 to 50 million acres हर year erode कर दिया जाता है. And जिस हम dung की जो हम बात करते हैं and the growing use of dung for burning debris, जिस तरह हम गाय के गोबर को dung को burn करके और उससे cooking करते हैं वो कुछ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट खाद्य पदार्थों को बिकॉज यू कैन यू पीपल नो दैट दैट काउ डंग इज और बफलो डंग इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर. इवन द डंग्स ऑफ लाइक शीप्स एंड गोट्स सो बेसिकली द डंग इज अ नेचुरल फर्टिलाइजर एंड इफ दैट फर्टिलाइजर इज बर्न बाय द पीपल इन द फॉर्म ऑफ लाइक यू कैन से दैट उपले और लाइक दैट and people use that for cooking, then what about the fertilizer, natural fertilizer for earth? Because this one is the like chemical free fertilizer. So the World Bank estimate that a five-fold increase in the rate of interest from planting. So World Bank ne ye estimate kiya hai ki one ya forest lagane ke liye jo 5 guna vriddhi karni hogi taki year 2000 tak hame jo hai वो एक्सपेक्टेड फ्यूल वुल जो चाहिए होगा वो मिल सके. जेम्स पेट द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट सेड द अदर डे वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकर अ सेकंड बट इट इज मच क्लोजर टू एन एकर एंड अ हाफ टू अ सेकंड. सो जेम्स पेश जो है जो कि एक वर्ल्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि We are saying that we are losing the forest. हम कह रहे हैं कि हम forest खो रहे हैं but अगर हम बात करें कि एक second में एक एकड़ की उससे तो लेकिन ये दर प्रति एकड़ second के अधिक निकट है या second से ज़्यादा तेज़ी से ये बढ़ रही है. So here the chief biological system of earth are like four fisheries, forests, grasslands and croplands students and the form of you can say that foundation of global economical system besides giving the food, the supply of all the raw material for industry. So basically these are like raw material for our industry and in large areas of the world human demand on them then increasing to such an extent the productivity is being impaired here and in poor countries the forests are being destroyed for fire
firewood for cooking. So because of this, the forests are disappearing at a great speed here. So let's read the Article 48 of Constitution. So let's I'm reading here, students. So Article 48 of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect the improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of our country. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. For instance, the Constitution says that casteism, untouchability and bonded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of operation of Constitution. So a recent report of a Parliament Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last four decades. India, according to reliable data, is losing its forest at a rate of 3.7 million acres a year, and large areas officially designated as forest land and are already virtually treeless. So the actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics. So your students, अगर हम भारतीय अपने constitution की या संविधान की बात करें तो article 48 में ऐसा कहा गया है that India provides that the state shall never. So state जो है हमेशा पर्यावरण की रक्षा या सुधार के लिए क्या करेगा, work करेगा, improve the environment and safeguard the forest. Environment को improve करेगा और forest को safeguard करने के लिए कुछ steps लेगा and wildlife of the country, but the causes endless anguish. लेकिन जो चीज़ हमको बहुत ज़्यादा दुख देती है, anguish करती है, वो यह है कि इस देश में कानून का ना तो सम्मान किया जाता है. सो पीपल आर नेवर रिस्पेक्टेड, नेवर रिस्पेक्टेड और नॉट एनफोर्स. सो लॉज जो हैं उनका ना तो रिस्पेक्ट किया जाता है इंडिया में और ना ही पूरी तरह उनका लोग उनको फॉलो करते हैं. अगर आप इसका एक एग्जांपल लें, सो द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कि हमारा संविधान ये कहता है कि कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी या बॉन्डेड लेबर जो है वो हमारे यहाँ अबॉलिश्ड है या उसे मिटाया जाना चाहिए या वो यहाँ पर कोई भी नहीं फॉलो कर सकता. बट एक रीसेंट रिपोर्ट या हम ये कहें कि इंडिया में जो ये चीज़ें हैं, दैट इज़ कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, वो शेमलेसली लोग उसको फॉलो कर रहे हैं. और किस तरह लोग 44 इयर्स के बाद भी फल रहे फूल रहे हैं. हमारी जो सांसद है उसकी अनुमान समिति से एक नवीन रिपोर्ट या एक नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की जितने भी फॉरेस्ट हैं वो पिछली जितने भी हमारे, यू कैन से दैट हाईलाइट दैट द नियर कैस्ट्रोफिक डिप्लीशन ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट फ्रॉम लास्ट फोर डेकेड्स. सो हमारा 4 शताब्दियों से जो हमारे यहाँ खतरनाक कमी पर यू कैन से दैट जोर दिया गया है वो है. सो इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा इज़ लूजिंग फॉरेस्ट एट अ रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकर. और अगर हम इस रेट से जाएँ तो एवरी डे इंडिया इज लूजिंग 3.7 मिलियन एकर्स. एंड किस तरह यहाँ के जंगल जो हैं, सो लार्ज एरियाज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times द रेट ऑफ इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट. और इंडियन लोगों के जो ये फॉरेस्ट हैं, ये या जो जितने भी बड़े बड़े क्षेत्र हैं वो जंगल की उन्होंने मतलब हमारी गवर्नमेंट ने तय किया था कि जंगल का इतना हिस्सा होना चाहिए. एंड पहले से ही करीब करीब हमारे ऑलमोस्ट फॉरेस्ट जो हैं दे आर लाइक विदाउट ट्रीज. सो जंगल की जो हमारी वास्तविक जो हानि है, द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट लाइक 8 times द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स. सो जितना गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स हमें बता रहे हैं उससे लगभग 8 गुना ज़्यादा हमारे यहाँ की जो स्थिति है वो ख़राब है व्हेन इट कम्स टू फॉरेस्ट. सो बेसिकली फॉरेस्ट की स्थिति ख़राब होना या हमारे यहाँ पेड़ों की स्थिति ख़राब होने का इनडायरेक्टली मतलब ये है स्टूडेंट्स योर दैट आर अर्थ इज फेसिंग दैट इन द
beginning of our chapter we have read that our earth is in the health condition of earth is like very in a very bad state. So our earth is like a patient. Soon we need to treat that on those or need to focus on those points where we are lagging behind. So हमें उन points पे और इसीलिए हमको हमें earth के environment को और earth को protect करना चाहिए. Thank you all. We'll continue the next page, that is page number 46 of your chapter in our next video. Thank you. Till then, stay safe all of you.